जूट रोप या किसी भी तरीके का थ्रेड रोप, किसी भी कलर का हो आप वो यूज़ कर सकते हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ मानसी। तो लास्ट वीक मुझे ना एक कमेंट आया था कि मानसी कुछ इजी सी चीज़ें बनाओ, और मुझे भी लगता है कि पिछले कुछ टाइम से मैं पेंटिंग वाली चीज़ें ज़्यादा बना रही थी, और हर किसी के लिए पेंट करना इतना इजी नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार कुछ इजी सा ही बनाते हैं, और इजी तभी होगा जब हम ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जो कि सबके पास इजीली अवेलेबल हो। तो आज के वीडियो में मैं यूज़ करूँगी ये कुछ थ्रेड्स हैं। थ्रेड्स नहीं है आपके पास तो आप ऐसी रोप यूज़ कर सकते हो, ऐसी रोप नहीं है तो जूट रोप या किसी भी तरीके का थ्रेड रोप, किसी भी कलर का हो आप वो यूज़ कर सकते हो, और इसी को यूज़ करके हम आज के DIYs बनाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ चाहिए जो कि है कार्डबोर्ड, वो आप सबके घर पे इजीली अवेलेबल होती ही है। तो आपको लग रहा होगा कि सिर्फ दो नॉर्मल सी चीज़ों का यूज़ करके बिना कोई कलर वगैरह यूज़ किए हम कैसे कुछ अच्छा बना सकते हैं, तो बस देखते जाओ, हम पूरी कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ अच्छा बनाने की और अच्छा बन ही जाएगा। और आज मैं लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं कितना भी बोल लूँ यार कुछ लोग नहीं करते हैं, तो कर दो यार, क्या जा रहा है आपका। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगी, तो बस इतनी सी मेरी बात मान लो और सब्सक्राइब कर दो, और बस चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये कार्डबोर्ड, और मेरे पास थिक कार्डबोर्ड नहीं था तो मैं नॉर्मल कार्डबोर्ड ही यूज़ कर रही हूँ। बाद में मैं इसके आगे पीछे कुछ चिपका के इसको थिक बना लूँगी। तो इसके ऊपर हमें मून का शेप ड्रॉ करना है, और इसके लिए आप कोई भी राउंड चीज़ की हेल्प से ये मून का शेप ड्रॉ कर सकते हो। अब इसी के अंदर हमें एक इसके छोटे साइज़ का मून ड्रॉ करना है, तो कुछ ऐसा सा शेप हमें मिलेगा, और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास थिक कार्डबोर्ड नहीं था, तो इसको कट करने के बाद आप देख सकते हो थोड़ा सा, मतलब ये इतना मज़बूत नहीं था। तो सबसे पहले जो बेस होता है ना उसको मज़बूत बनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पूरा क्राफ्ट उसी पे डिपेंड करता है। सिमिलरली अगर हमारे बाल भी जड़ से मज़बूत हैं तभी वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, लेकिन आजकल का टाइम ऐसा है ना कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है और हमारी लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो चुकी है कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। एंड बालों की मज़बूती के लिए आप सबको पता है अनियन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो थोड़ी देर के लिए क्राफ्ट रोक के मैं आपको अपना हेयर केयर रूटीन दिखाती हूँ। तो अपने बालों के लिए मैं यूज़ करती हूँ मामा अर्थ अनियन हेयर ऑयल, जो कि हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, बालों को स्ट्रेंथ एंड शाइन प्रोवाइड करता है, और स्कैल्प को नरिश करता है। एंड इसमें ये कोम्ब एप्लीकेटर भी आता है, जिसकी वजह से इसको यूज़ करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो पहले मैं बालों को 2 हाफ्स में पार्ट कर लेती हूँ, इसके बाद डायरेक्टली ये जो कोम्ब एप्लीकेटर है इससे बालों पे ऑयल अप्लाई करती हूँ, जिससे कि जो सारा ऑयल है वो रूट्स तक डायरेक्टली पहुँच जाता है। तो इसको लगाने के बाद आप इसको कुछ घंटों के लिए छोड़ सकते हैं, या मैं तो ओवरनाइट छोड़ देती हूँ और फिर नेक्स्ट डे मैं वॉश कर लेती हूँ। एंड जैसे कि मैंने बताया कि इसमें अनियन ऑयल है जो कि हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, साथ ही इसमें है रेडेंसिल जो कि बालों के स्ट्रैंड को स्ट्रेंथन करता है और थिकर बनाता है। तो इसे आप बिना किसी टेंशन के यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जब भी आप यहाँ से कुछ परचेज करते हो तो दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे प्लांट, एंड बाय 2025 दे आर एमिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। मामा अर्थ है प्लास्टिक पॉजिटिव, यानी कि जितना प्लास्टिक ये यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा रिसाइकिल करते हैं। इनके प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नाइका, पर्पल, मामा अर्थ की वेबसाइट और ऐप पे, एंड इसके अलावा अभी आपके नियर बाय स्टोर्स में भी अवेलेबल हैं। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड MS2023 यूज़ करते हो तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट, एंड ये ऑफर सिर्फ मामा अर्थ की वेबसाइट और ऐप पे ही एप्लीकेबल है। तो चलो वापस से अपने DIY पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है एक कॉटन रोप या कॉटन डोरी, जो भी आप इसको कहें। तो ये मैंने अमेजोन से लिया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। तो पूरा जो मून का शेप है ना उसके ऊपर हमें ये कॉटन रोप को ऐसे लपेटते जाना है, और कार्डबोर्ड को कम्प्लीटली हमें कवर कर देना है। आप इसकी जगह थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, वो जो थिक एम्ब्रॉयडरी वाले थ्रेड आते हैं ना आप वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप वूल भी यूज़ कर सकते हैं इस क्राफ्ट के लिए। आप चाहें तो इसे कलरफुल भी बना सकते हैं, अगर आप लाइट ब्लू कलर में ये वाला क्राफ्ट बनाएंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर और ऐसा ड्रीमी टाइप का लुक आएगा। तो कम्प्लीटली इसको कवर करने के बाद देखो ये कितना ज़्यादा ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो चलो अब बाकी की चीज़ें भी बना लेते हैं। तो अब मैंने कार्डबोर्ड से ही ये स्टार का शेप कट कर लिया है, और अब हम वही सेम रोप लेके इसे भी कम्प्लीटली कवर कर देंगे।
तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ हॉट ग्लू गन का। वैसे मून वाले में मैंने फेविकॉल का यूज़ किया था, लेकिन हॉट ग्लू गन थोड़ा जल्दी चिपक जाती है, मतलब टाइम कम लेती है, तो यहाँ पे मैं वही यूज़ कर रही हूँ। बट आप फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हो, बस डिफरेंस ये रहता है कि फेविकॉल थोड़ा टाइम लेता है सूखने के लिए। तो अच्छे से इसको हम पूरी तरीके से कवर कर देंगे ताकि कार्डबोर्ड कहीं से भी दिखाई ना दे। कार्डबोर्ड को एक तरह से हमें कपड़े पहना देना है। तो देखो ये भी कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है देख के ही। तो इस तरह के मैंने 3 स्टार्स रेडी कर लिए हैं। और अब मेरे पास ये वुडन रिंग रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसको यूज़ कर लेती हूँ। बट आपके पास ये नहीं है तो आप कोई पुरानी चाबी का छल्ला यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ऊपर की साइड मैं इसको पीछे की तरफ से ग्लू गन से ही चिपका दूँगी। अब इसके बाद ये जो 3 स्टार्स हमने बनाए थे, इसमें भी हम डोरी अटैच करेंगे। तो डबल डबल करके मैं यहाँ पे इसको चिपका रही हूँ ताकि अच्छे से स्ट्रॉन्गली ये फिक्स रहे। और अब इन स्टार्स को हम मून के साथ चिपका के नीचे हैंग कर देंगे। तो मुझे देख के थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था, तो मैंने बाद में एक और स्टार बना के नीचे 4 स्टार्स लगा दिए। तो देखो था ना बिल्कुल ईजी। तो चलो अब इसका फाइनल लुक भी देख लो। DIY के लिए मैं वैसे तो ये कलरफुल थ्रेड्स का यूज़ करने वाली हूँ, मतलब इसमें से एक ही हमको यूज़ करेंगे। बट ये नहीं है आपके पास तो आप यही वाला फिर से यूज़ कर सकते हो। तो चलिए दूसरा वाला भी DIY देख लेते हैं। तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं कौन सा कलर यूज़ करूँ, तो बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने सोचा कि चलो ये पर्पल वाला ही यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये बॉटल, और नहीं ये वेस्ट मटेरियल नहीं है और ना ही ये क्राफ्ट में कहीं बाद में यूज़ होगी। बस इसे हमें शेप देने के लिए यूज़ करना है। तो आप कोई दूसरी भी चीज़ जो राउंड हो ऐसी यूज़ कर सकते हो। राउंड नहीं मतलब ऐसी सिलिंड्रिकल चीज़ कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके ऊपर मैं एक प्लास्टिक शीट यहाँ पर चिपका दे रही हूँ। एंड अब हमें क्या करना है कि फेविकॉल लेना है, और फेविकॉल में थोड़ा सा पानी मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, बस इतना मिक्स करना है कि थोड़ा सा वो लिक्विड टाइप का हो जाए ताकि उसमें थ्रेड को डिप करना इजी हो जाए। और यहाँ पे बिल्कुल कंजूसी मत करना, ज़्यादा पानी मत मिलाना, बस थोड़ा सा ही पानी मिलाना है और फेविकॉल का पार्ट ज़्यादा रखना है। अब देखो यहाँ पर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है, इसी के बीच में हमें करना है जो भी करना है। एंड ये मैं बता दूं कि ये पूरी जो डिस्टेंस है ये 9.5 सेंटीमीटर है, तो इसी के बीच में आपको थ्रेड वर्क करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि थ्रेड को इसके अराउंड अच्छे से राउंड 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 करते हुए लपेटते जाएंगे। तो जब भी आप ये वाला काम कर रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आपके आसपास कोई इंसान हो तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। क्योंकि जब मैं कर रही थी ना तो दोनों हाथ गंदे हो चुके थे, और उन्हीं गंदे हाथों से बार बार मुझे कैमरा भी एडजस्ट करना पड़ रहा था, वीडियो भी बार बार रिकॉर्ड करना पड़ रहा था, मतलब मोबाइल बार बार छूना पड़ रहा था, तो मेरा पूरा मोबाइल भी इसी चक्कर में गंदा हो गया। तो चलो इसको लपेटने के बाद ना अब हम फिर से एक प्लास्टिक शीट लेंगे और उसके ऊपर यही बॉटल का शेप हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो सर्कल मिलेगा ना, अब इसके अंदर फिर से हमें ये जो थ्रेड है इसको फिल करना है। और नॉर्मल थ्रेड नहीं है ये, इसको मैंने ऑलरेडी फेविकॉल में डिप किया हुआ है। इसके बाद हम इसको इसके ऊपर ऐसे फिल कर देंगे सर्कल में, और ऊपर की तरफ से भी हम इसको थोड़ा सा प्रेस करके रख देंगे ताकि बिल्कुल चपटा चपटा ये रहे। और इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और ड्राई होने के बाद देखो बिल्कुल अच्छे से ये हार्ड हो गया है। और अब हम ये प्लास्टिक शीट अंदर से निकाल लेंगे। तो देखो कितने अच्छे से इसका शेप आया, एंड मुझे तो इसका कलर भी बहुत प्यारा सा लग रहा है। तो चलो अब ये जो प्लास्टिक शीट है इसे भी हम अंदर से हटा देंगे, और बहुत ही इजीली ये शीट निकल जाती है। इसके बाद ये जो चपटा वाला पार्ट था, मतलब ये जो सर्कल था, इसको भी हम निकाल लेंगे और इसके ऊपर की साइड हम इसे बंद कर देंगे, मतलब फेविकॉल से ही चिपका देंगे। इसके बाद आप एक ऐसा कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लीजिए, मेरे पास ये मोबाइल का बॉक्स था, बट आप इसको एज इट इज़ ही यूज़ कर सकते हो। लेकिन मेरे अंदर एक कीड़ा था, मुझे जैसा मैंने सोचा था मुझे बिल्कुल वैसा ही चाहिए था, और उस साइज़ का मुझे बॉक्स मिला नहीं। तो मैं इसको बीच से मोड़ के उसी शेप का बना रही हूँ, मतलब मुझे थोड़ा सा ना ऐसे पतला शेप चाहिए था नीचे बेस में, लेकिन वैसा बॉक्स नहीं था तो मैं इसी को मोड़ के बना रही हूँ। बट आप एज़ इट इज़ भी ये बॉक्स यूज़ कर सकते हो जिस शेप का ये था।
मतलब ये तो रेक्टेंगुलर शेप में था, आप कोई दूसरा शेप भी यूज़ कर सकते हो, लाइक आप स्क्वायर शेप का भी बॉक्स है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो पीछे की साइड से मैं इसको फोल्ड करके चिपका दे रही हूँ और अच्छे से ये चिपका रहा है, इसके लिए मैंने मास्किंग टेप भी ऊपर से लगा दिया है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि बस ये जो बॉक्स है इसकी हाइट थोड़ी कम हो जाए, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे माइंड में ऐसा था कि मैं ऐसे ही बनाऊंगी, तो बस इसलिए मैंने ऐसा किया। और बीच में मैंने एक होल भी कर लिया है। अभी एक गिफ्ट रैपिंग पेपर मेरे पास इतना थोड़ा सा ही बचा था तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अब देखो मैं इस बॉक्स पे पेंटिंग भी कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि फिर वही बात होगी कि पहले तो मैंने इजी बोला और फिर बाद में आप लोगों से फिर पेंटिंग वाली मेहनत ही करवा दी। एंड आज मैं बिल्कुल ही कम सामान को यूज़ करके बहुत ही इजी चीज़ बनाना चाह रही थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर किसी के लिए ये बनाना इजी हो। अब देखो जब मैं पेंटिंग भी करती थी तो मुझे तो लगता था कि मैं इजी चीज़ ही बता रही हूँ, लेकिन ये चीज़ बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है। मतलब कोई चीज़ अगर मेरे लिए इजी है, हो सकता है वो किसी और के लिए इजी ना हो, या फिर किसी और के लिए बहुत इजी हो लेकिन मुझे बहुत कठिन लग रही हो, तो ये काफ़ी सब्जेक्टिव है। बट फिर भी मैंने कोशिश की है कि ऐसा ही आज कुछ बनाऊँ जो कि सब कोई बना सके। इसके बाद ये फ्लावर्स मेरे पास रखे हुए थे तो बहुत टाइम से रखे थे, तो मैंने यहाँ पे चिपका दिए। अब इसके बाद मैं यहाँ पे ये फेरी लाइट का यूज़ कर रही हूँ, ये बैटरी ऑपरेटेड होती है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, और नीचे होल में मैं इसको इंसर्ट कर दूँगी। अब इसे मैं अंदर की तरफ मास्किंग टेप से फिक्स कर रही हूँ, आप चाहे तो ग्लू गन से भी फिक्स कर सकते हो, और क्योंकि हमें इसको फ्यूचर में जब बैटरीज इसकी ख़त्म होंगी तो उसको चेंज भी करना पड़ेगा, तो पीछे से मैंने इतना पार्ट खुला ही रहने दिया है, और ऑन ऑफ करने के लिए भी ये खुला पार्ट होना ज़रूरी है। आप चाहे तो इसकी जगह कोई दूसरी लाइट भी यूज़ कर सकते हो, या ज़्यादा लाइट चाहिए तो आप ये वाली लाइट भी यूज़ कर सकते हो। इन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। एंड आप देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और मुझे पता है कि बहुत से लोग इसको बनाएंगे और ऐसा हो सकता है कि आपका इतना मजबूत ना बने और फिर बाद में आप बोलो कि बेकार है, बकवास है, मतलब टूट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो मैं पहले ही बता दूं कि आपको थोड़ा सा फेविकॉल ज़्यादा यूज़ करना है, और ये देख रहे हो मतलब बहुत हार्ड है, ये टूटने वाला बिल्कुल नहीं है। मतलब आप देख सकते हो कि मैं कितनी ज़ोर से इसको पटक रही हूँ, पर ये कहीं से भी पिचका नहीं है, सही सलामत है बिल्कुल। तो ये गिरेगा भी तो भी नहीं टूटेगा, तो बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि फेविकॉल अच्छे से लगाना है। तो बस ये थे आज के DIYs। अगर आपको पसंद आए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।